नमस्कार दोस्तों, श्रीराधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योग वास्तु। मित्रों, जब किसी के घर कोई संतान आने वाली होती है तो उसके हृदय में ये इच्छा होती है कि मेरी संतान एक अच्छी डेट पे पैदा हो। अंक ज्योतिष के अनुसार हर महीने भाग्यांक और मूलांक का एक कॉम्बिनेशन बनता है। कुछ मूलांकों पे भाग्यांक का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, कुछ मूलांक पे भाग्यांक का खराब कॉम्बिनेशन होता है। मूलांक वो होता है जो होने वाले जातक के पूरे व्यक्तित्व को बताता है। वहीं पर भाग्यांक ये दर्शाता है कि व्यक्तित्व को आने वाले जीवन में भाग्य का कितना सहयोग मिलेगा, आने वाले समय पे उसके भाग्य का कितना प्रभाव रहेगा, सकारात्मक या नकारात्मक। अंक ज्योतिष में तीन पायदान होते हैं, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। मूलांक और भाग्यांक को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन नामांक को परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अगर जन्म लेने से पहले ही माता पिता के पास थोड़ा सा अवसर हो कि हमारे बच्चे की डेट का जो चुनाव किया जाए वह अच्छा किया जाए, जिससे उसका भाग्यांक और मूलांक एक दूसरे के मित्र हो सकें, और माता पिता और जागरूक हों तो बच्चे के लिए एक ऐसा समय भी निश्चित करें जो मांगलिक ना हो, जिसमें अच्छे राजयोग हों, और खराब योग जैसे वैधव्य योग, आयु की दिक्कत, चोट चपेट की दिक्कत या विकास में समस्या। बहुत से लोगों के जीवन में देखा, संघर्ष ही संघर्ष है। बहुत से लोगों के जीवन में गरीब ही पैदा होते हैं, लेकिन मेहनत या अपने भाग्य के बल पे बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं। और बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन विकास नहीं होता और पूरे जीवन संघर्ष ही संघर्ष बना रहता है। इस वीडियो में हम दिसंबर 2023 में अंक ज्योतिष के अनुसार भाग्यांक और मूलांक का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा हर डेट का आपको बताएंगे, और साथ में आपको अगर जो डेट अच्छी लगे उसकी शुभता और अशुभता भी बता देंगे, चुनाव कर सकते हैं। नामांक के लिए आप नामांक अगर उसके सहयोगी रखते हैं तो अंक ज्योतिष के अनुसार बहुत कुछ चीजें नॉर्मल रहेंगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक मूलांक, अर्थात जो दिसंबर में 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होंगे उनके लिए एक मूलांक। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल अंक को जोड़कर भाग्यांक बनता है, तो 2 भाग्यांक बनेगा। सूर्य और चंद्रमा के योग को शुभ कहा जाता है, ये राजा रानी का योग माना जाएगा। इन अर्थों में जो लोग इन डेट पे पैदा होंगे उनके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। वहीं पर 2, 11, 20 और 29 की बात करें तो इनके लिए भी बेहतर होगा। चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग बनेगा, इसको भी गुरु बृहस्पति और चंद्रमा जो रानी है इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। इस पे जो बालक जन्म लेंगे बुद्धिमान होंगे, भाग्यमान होंगे, लक्ष्मीवान होंगे, जीवन में यश कीर्ति भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं 3 की। बृहस्पति स्वामी होता है 3 का, अर्थात जो बच्चे दिसंबर में 3, 12, 21 या 30 तारीख को होंगे उनका भाग्यांक और मूलांक का जो जोड़ बनेगा वो गुरु और राहु का बनेगा। गुरु और राहु अर्थात चांडाल योग ज्योतिष के अनुसार यह अपने आप में शुभ नहीं होगा। इस नाते कोशिश करें इस नंबर को थोड़ा सा अवॉइड करें। अब बात करते हैं 4, राहु का नंबर। 4 उनको कहते हैं जो 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को पैदा होंगे, वो सभी लोग 4 मूलांक वाले होंगे। कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है? राहु और बुध का। राहु और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। राहु एक तरफ टेक्निकल और तेजी से विकास की सूचना देता है, वहीं पर बुध उस विकास में अपने ज्ञान को इकोनॉमिकली रूप से परिवर्तित करने में सहयोग देता है।
लेकिन कई बार ये कॉम्बिनेशन अपने फायदे और सुख के लिए अपने खास रिश्तों को भी वो महत्व नहीं दे पाता है। अब बात करते हैं पांच नंबर की। पांच नंबर, जो लोग 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को पैदा होंगे, 5 होंगे, इसका स्वामी बुध होगा। भाग्यांक और मूलांक की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र और बुध का संयोग बनेगा। शुक्र के घर में बुध कहीं न कहीं से अच्छा नहीं महसूस करता है, और शुक्र जो है वो बुध के घर में जब जाता है तो अपनी कमजोर अवस्था को प्राप्त होता है, नीच की अवस्था को प्राप्त होता है। इस स्थिति में कोशिश करना चाहिए इस नंबर को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। अब बात करते हैं 6। 6 वो लोग होते हैं जो 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को जन्म ले रहे हैं, जिसका स्वामी शुक्र होता है। अंग ज्योतिष के अनुसार शुक्र एक शुभ और अच्छा अंक माना जाता है। वहीं पर भाग्यांक की बात की जाए तो 7 आता है, केतु का अंक। ये दोनों स्वभावतः एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन कई बार देखा गया है कि आदमी धर्म से रहता है तो इस अंक में पैदा हुए लोग अच्छी ऊंचाई पाते हैं, लेकिन यह अंक चुनने से पहले किसी विशेष स्थिति का ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर केतु का अंक माना जाता है, जो 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को पैदा होंगे उनका 7 नंबर बनेगा। भाग्यांक और मूलांक के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 8 और 7 शनि और केतु का संयोग बनेगा, जिसको अच्छा नहीं माना जाएगा। ये दुख पीड़ा का योग है, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष, अकल्ट, विज्ञान, खोज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर, जो किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा होंगे और दिसंबर की बात करें तो यही डेट उसमें रहेंगी, तो उनका 8 मूलांक होगा। कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है? शनि और मंगल का। इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुप्तचर विभाग में या ऐसे कामों को किया जाए जो समाज से थोड़ा हट के हो तो यह नंबर थोड़ा सहयोग करता है, लेकिन इस नंबर को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। अब बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर जिसका स्वामी मंगल होता है, डेट्स कौन सी होंगी? दिसंबर में जो बच्चे पैदा होंगे 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, वो सभी 9 होंगे। भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से मंगल और सूर्य का संयोग बनेगा, राजा और सेनापति का सहयोग बनेगा। थोड़ा सा मेहनत और संघर्ष तो 9 के साथ रहता है, लेकिन सूर्य का साथ मिलने से ये अंक चमकदार होगा। 30 अंक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन, ईगो, चिड़चिड़ापन भी रह सकता है, इस नाते इन अंकों के चुनाव में सावधानी का ध्यान रखें। तो मित्रों, अंग ज्योतिष में भाग्यांक और मूलांक की एक संक्षिप्त चर्चा हमने यहां पर की। जन्म से पहले ऑपरेशन जैसी स्थिति में जातक के पास एक अवसर होता है कि वह एक अच्छे समय या डेट का चुनाव कर सके, जिससे आने वाले भविष्य में बालक का जीवन सुखद हो। आपको अपने समय को निकलवाना हो, कुंडली दिखानी हो या वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। आपने वीडियो यहां तक देखा, हम धन्यवाद देते हैं आपको हृदय से। निवेदन है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और उन लोगों के साथ जिनके घर नया मेहमान आने वाला है। नमस्कार, सिराधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।